बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छा जी, कुछ बच्चों की ये स्पेशल रिक्वेस्ट थी कि हमारी जो पाक स्टडीज़ है वो इंग्लिश में उसका जो सिलेबस है उस पर निशान लगवा दें। तो उसमें प्रॉब्लम यही आ रही थी कि बुक नहीं थी मिल रही हमें बाहर से। तो मैंने आज सोचा कि वो जो PCTB जो करिकुलम बनाते हैं, वो बुक्स भी ज़ाहिर है वही लोग पब्लिश करते हैं, तो वहाँ पर बुक्स जो है ना वो डाउनलोड बंदा कर सकता है। तो मैंने फिर बुक डाउनलोड कर ली, नई वाली बुक जो डाउनलोडेड फॉर्म में ले ले गया और इंग्लिश में है ज़ाहिर है। तो अब जो इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे हैं जिन्होंने इंग्लिश में पाक स्टडीज़ को पढ़ना है, खासकर ये जो प्राइवेट स्कूल्स के ज़ाहिर है वही लोग पढ़ते हैं, तो वो लोग फिर निशान लगा लें। ठीक है जी, तो ये मैंने इस पर हाईलाइट की हैं, साथ साथ मैं आपको दिखाता जाता हूँ कि ये कि डिस्क्रिप्शन के अंदर डाउनलोड का लिंक दे दूंगा आपको। ठीक है, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके पास बुक नहीं है और बाज़ार से नहीं मिल रही तो, वरना बाज़ार से मिल रही है तो फिर ठीक है, फिर आप जाहिर है कि वहीं से कर लें। तो चले, ये मैं आपको इसका बताता हूँ। ज़ाहिर ये लेटेस्ट है क्योंकि ये देखना मार्च 2020 की है, यानी इस साल की है ये बुक, और इसमें कोई तब्दीली वगैरह आई है तो आप इसमें देख सकते हैं। अच्छा जी, तो इसमें स्टार्टिंग ये ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का इरा जो है, ज़ाहिर है ये हम नहीं करते, ये मैंने जिस पे हाईलाइट किया होगा ना वो आपने करना है। तो ये ज़ाहिर है ये मेन एस्पेक्ट्स नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ ये नहीं है। ठीक है, पेज नंबर 4 कोई नहीं है, पेज नंबर ये 5B कोई नहीं है। ठीक है, और ये यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, लेबर रिफॉर्म्स, तो लेबर रिफॉर्म्स के अंदर ये जो पॉइंट्स उसने सारे दिए हैं ना, ये सारा आपने रेडी करना। ठीक है, ये 6, 7, 8। ठीक है, उसके बाद ये एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स है, ये भी करना है। ठीक है, शुरू शुरू में मैंने ये रेड में किया हुआ है जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो इसके भी पॉइंट्स ये सारे आप, ये पूरा पेज आप रेडी करेंगे पेज नंबर 7। उसके बाद ये नहीं है ज़ाहिर है, इसको मैंने हाईलाइट नहीं किया। ठीक है, ये पेज नहीं है इंडस्ट्री वाला, तो इसको आगे चलाते जाएँ। एजुकेशन भी नहीं है इसके अंदर, ये भी नहीं है। नेगेटिव इम्पैक्ट्स ये भी नहीं है, तो आगे बस चली जाएँ। अब ये करना है, उसके बाद की एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, 1973 का आइन। अब इसमें ये प्रेमेबल, ये सारा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल, ये सारे इसके जो 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स हैं सारे करने हैं। 5वां, 6ठा पॉइंट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड सो ऑन, ये 11, 12 पॉइंट बनते हैं। उसके बाद ये भी नहीं करना जी, ज़िया साहब का दौर ये भी नहीं करना, लेकिन ये करना है मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ द इस्लामाइजेशन प्रोसेस ड्यूरिंग 1977-98। तो ज़िया के दौर में ही है सारा, लेकिन इसके जो पॉइंट्स हैं वो हमने इस्लामाइजेशन को हमने देखना है। तो इसमें भी नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये जितने भी बन रहे हैं। ओके, अब ये इरा जो है इनका, जुनेजो साहब का, ये किसी का भी इरा नहीं करना हमने। ठीक है, इनका भी है, उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब का है, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का है, तो वो हमने किसी का भी नहीं करना। ठीक है, तो वो हम ऐसे ही आगे चलाते जाते हैं, ये सारा कोई नहीं करना। ठीक है, ये बेनज़ीर साहिबा आ गई, इनका भी नहीं है। ठीक है, ये भी कुछ नहीं है, नथिंग। आगे चली जाएँगे, मियाँ साहब आ गए, मियाँ साहब का भी नहीं है। तो ओके, इसमें काफ़ी सारा छुड़वाया हुआ है। ठीक है, अब ये चूँकि कंप्यूटर में है ना, तो मुझे ज़रा एक एक पेज स्क्रॉल करना पड़ रहा है। लें जी, ये वाला करेंगे फिर आप, पाकिस्तान एज अ न्यूक्लियर पावर। ठीक है, इसको आपने करना है। तो ये न्यूक्लियर पावर के जितने भी पैराग्राफ्स हैं ये आप रेडी करेंगे। उसके बाद ये भी नहीं करना, काजेज ऑफ मिलिट्री टेक ओवर। ठीक है, मुशर्रफ साहब, इसको भी नहीं करना हमने, लेकिन इसके आगे एक, हाँ ये टॉपिक आएगा, लोकल गवर्नमेंट प्लान 2000, इसको हमें करना है। और इसके अंदर ये जो पॉइंट्स हैं, यूनियन गवर्नमेंट ये करना है, जो पॉइंट्स हैं यूनियन गवर्नमेंट ये करना है, तहसील गवर्नमेंट करना है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट इसको भी करना है, क्योंकि उसी मेन बड़े टॉपिक के अंदर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद ये भी करेंगे हम, 2002 के इलेक्शंस और रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी ये भी हम करेंगे। इसके अंदर भी ये जो पॉइंट्स हैं ब्लू वाले सारे ये हम करेंगे। फिर अब ये आगे से ये नहीं करेंगे, जन्म शरफ कंसेप्ट ऑफ एनलाइटमेंट ये नहीं करना। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन ये भी नहीं करनी हमने, सेटिंग ऑफ ये भी नहीं करना, और आई थिंक ये ख़त्म हो जाएगा, ये भी आगे कुछ नहीं है, नथिंग। ओके, और जब ये सवालों पे आएंगे तो इसमें सेकंड MCQ, चौथा MCQ, 5वां, 7वां MCQ ये आप करेंगे, जिनको हाईलाइट किया हुआ है। अब ये येलो कलर हाईलाइट आ रहा है ना, अब आगे येलो कलर ये हाईलाइट। पहला सवाल करेंगे शार्ट क्वेश्चन जो है, राइट टू ड्यूटीज़ ऑफ यूनियन काउंसिल। ठीक है, नंबर 7 करेंगे, वाई इन द 1970 कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्ड द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। बहरहाल ये पढ़ लें, एक्स वाला, इन विच इलेक्शन वाज ग्रेजुएशन मेड कंडीशनल।
फिर ये लॉन्ग क्वेश्चन, पहले चार लॉन्ग क्वेश्चन ठीक है, और चौथे के ये ए बी सी पार्ट तीनों हैं करने, ठीक है, और आगे वाले नहीं करने। सही हो गया। एक्टिविटी जो है वो कोई भी नहीं करनी, ठीक है, किसी भी चैप्टर की। लो जी, एक चैप्टर हो गया। इसमें ज़रा थोड़ा टाइम लग जाएगा इस वीडियो में, लेकिन चलें। खैर, फॉरेन रिलेशंस ऑफ पाकिस्तान, इसमें आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, ये करेंगे। इसके अंदर जा रहे ये सारे ब्लू वाले करी जाएंगे, 1, 2, 3, 4 से सारा करना है। अब आगे आ जाएं जी, पाकिस्तान रिलेशन विद नेबरिंग कंट्रीज़, तो चाइना के साथ जो रिलेशन है ये हमने करना है, इसके सारे पॉइंट्स 1, 2, 3। पाक इंडिया रिलेशन ये करना है, पाक ईरान रिलेशन इसको भी करना है, ठीक है। फिर पाक अफगान रिलेशन इसको भी करेंगे, ओके। जेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ कश्मीर इशू, कश्मीर की जो प्रॉब्लम है, ये सारा कश्मीर इशू, ये सारा ब्लू वाला, इसमें सब कुछ करेंगे, ये भी करेंगे। पाकिस्तान रिलेशन ओ आई सी कंट्रीज, अभी तक ये करने वाला ही आ रहा है। सऊदीया के साथ रिलेशन, ठीक है, टर्की के साथ, इस तरह से बस यहाँ तक। उसके बाद अब ये नहीं कर रहे हम, इजिप्ट, मलेशिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इनके रिलेशंस हमने नहीं करने, लेकिन ये है अभी थोड़ा सा ही है। ये हम फिर करेंगे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ, ये भी सारा ही है, आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान, ये सारा करना है, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारा करेंगे हम, ठीक है। ये नहीं करेंगे सार्क कंट्रीज़ वाला काटना हमने, ठीक है, ये हम नहीं करेंगे सार्क कंट्रीज़ वाला। ये काफ़ी सारे सार्क कंट्रीज़ हैं, ये काफ़ी इसके पेजेस बनते हैं, ये सारा नहीं करेंगे। तो ये मैं तेज़ी से कर देता हूँ। अब फिर अमेरिका के साथ जो रिलेशनशिप्स हैं इसको हमें करना है, ठीक है, पाक अमेरिका रिलेशंस। उसके बाद पाक अमेरिका के बाद आई थिंक रशिया आता है, रशिया नहीं करना, ठीक है, रशिया के साथ नहीं करेंगे हम, ओके। ब्रिटेन के साथ भी नहीं करना, ब्रिटेन वाला भी नहीं है, और आगे यूरोपियन यूनियन रिलेशंस भी नहीं है, ओके। जापान भी नहीं है। फिर यूनाइटेड नेशन आ जाएगा, यूनाइटेड नेशंस वाला, यूनाइटेड नेशन और इसके जो इदारे होते हैं, ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ये सारा करना है हमने। जनरल असेंबली, सिक्योरिटी असेंबली, ट्रस्ट, वट एवर जो भी है इसके अंदर, ब्लू वाले ये सारे हम कर रहे हैं। उसके बाद पाकिस्तान्स कंट्रीब्यूशन टू वर्ड पीस कीपिंग इन द वर्ल्ड, ये भी है, ये भी टॉपिक 1, 2, 3, 4 जितने भी है, और बस ये एक्सरसाइज खत्म हो आ जाएगी। उसमें जी एमसीक्यूज़ में आएंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों एमसीक्यूज़, पांचवा, छठा, ये लो सारे ही हैं। सिर्फ ये 9 वाला छुड़वा रहा है, ये 9 वाला, और ये 10, 11 भी करना है, और जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये सारे ही लिखे हुए हैं, 8 के 8 शॉर्ट क्वेश्चन, और नामा भी सिर्फ 10वां उसने छुड़वाया, 10th वाला। और जो लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग में भी आखिरी, हाँ, पहले 7 लॉन्ग सारे करने, और 8वां, 9वां, 10वां नहीं करना, और 11वां और 12वां करना है। उसके बाद ज़ाहिर है एक्टिविटी भी नहीं करनी, ओके। अब आ जाए, ओके, अब आ जाए जी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। अच्छा, तो इसमें हम चलते हैं, हाँ, ओके, ये इसकी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की डेफिनेशन है ये हम कर लेंगे तैयार। उसमें अगेन ये जो आगे ये जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पाकिस्तान थ्रू द, ये सिर्फ यहाँ तक आपने करना है, ठीक है, ये आगे से नहीं करना, इसको ये वाला पोर्शन नहीं है, सिर्फ ये छोटी सी ये जो 4-5 लाइनें हैं ना, बस वो करनी है, आगे से नहीं कर रहे। लेकिन उधर आगे कहीं से स्टार्ट करवाएगा, तो कहाँ से स्टार्ट करा रहा है वो हम आगे देख लेते हैं। ये सारे पॉइंट नहीं है, ठीक है, ओके, नहीं है। अब यहाँ से स्टार्ट है एक किस्म का, इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स ऑफ द इकॉनमी, इसमें मिनरल्स का सारा आएगा, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कॉपर, ये सारा आ रहा है, ठीक है, ये सारा करना है, साल्ट, क्रोमाइट, ये सारा है, मार्बल, सल्फर, व्हाटएवर, सब कुछ। फिर एग्रीकल्चर का भी सारा है इसके अंदर, सोर्सेज ऑफ फूड वगैरह वगैरह, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, ये सारा है। फिर एग्रीकल्चर पोटेंशियल ऑफ पाकिस्तान अलॉन्ग विद प्रॉब्लम्स एंड मेजर्स फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ यील्ड, ये भी सारा, कि कैसे इसको आप बेहतर बना सकते हैं। इसके अंदर ये सारा रीजंस फॉर लो पर कैपिटा, ये डिफरेंस टाइप्स, ये सारा करेंगे। अब यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा ये, क्योंकि आगे ये मेन बड़ा टॉपिक आ गया, ये हमें नहीं करना। वाटर रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान, ये नहीं हम करेंगे, ठीक है। लेकिन इसके बाद आगे पाकिस्तान की जो नहरें हैं वो टॉपिक आएगा। इंपॉर्टेंट कैनाल्स ऑफ पाकिस्तान, ये करनी है, रिवर रावी की कैनाल, ये करनी है, ये सारी हम कर रहे हैं, ठीक है। तो करते करते हम आएंगे इंडस वाटर ट्रीटी पे, जो इंडिया के साथ हमारा ट्रीटी हुआ है, इसको भी हमें करना है, ओके। इसको करते हुए अब ये फिर नहीं करेंगे प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर क्रॉप्स ऑफ पाकिस्तान, क्रॉप्स का नहीं कर रहे हम, ये सारा नहीं कर रहे, वीट वगैरह, राइस, व्हाटएवर जो भी है, तो ये कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। टोबैको, लाइव स्टॉक भी कोई नहीं करना जी, इसको भी छोड़ देते हैं। फिशिंग भी कोई नहीं है, लेकिन ये करना है जी, पैटर्न ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन एग्रीकल्चर, तो इसके अंदर ये जो ब्लू वाले सारे हैं ये हम करेंगे,
ठीक है, जो पॉइंट्स हो, पेस्टिसाइड्स, न्यू रोड्स, वट एवर, फिर मेन प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स, ये सारी करेंगे हम। ओके, फिर सोल्यूशन जो उसके दिए हुए हैं वो भी हमें करने हैं, कैसे कैसे बेहतर कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान ये भी करनी है। ओके, स्मॉल इंडस्ट्रीज, लार्ज इंडस्ट्रीज, सारी करनी है। डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी से मिलती है हम एनर्जी, ये भी करनी है। और उसके बाद इस सोर्सेज के बाद ये सारा करेंगे, नेचुरल गैस भी करेंगे, पेट्रोलियम भी करेंगे, कोल भी करेंगे, सारा ये उसने करवाया हुआ है। ये नहीं करना इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ पाकिस्तान, ये हम नहीं करेंगे। एक्सपोर्ट्स भी नहीं करेंगे, राइस, अब एक्सपोर्ट्स का भी जो जो आ रही है सारी नहीं करनी हमने, ठीक है। तो ये सारा स्पोर्ट्स गुड्स, नथिंग, कुछ भी नहीं करना। सीमेंट, फिशिंग, ये सारा नहीं है, ठीक है। आयरन एंड स्टील नहीं है। कंपोजिशन ऑफ पाकिस्तान ट्रेड, ये भी नहीं है, ट्रेड का रेलिवेंट काम नहीं है इसके अंदर, डायरेक्शन भी नहीं है। ओके, बस थक गए हैं इसमें तो। बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये भी नहीं है, ये हमने करना है। काजेज ऑफ पावर्टी एंड मेजरमेंट, यानी गुर्बत को दूर करना, ठीक है। काजेज ऑफ पावर्टी एंड मेजर्स टू इरेडिकेट पावर्टी, तो ये हमें करना है, इसको तैयार, इसके पॉइंट्स, रीजंस, मेजर्स, ये सारा करना है। लेकिन यहाँ पर रुक जाएंगे। और ये जो इंपॉर्टेंस ऑफ सी पोर्ट्स है, ये भी नहीं करना, ठीक है, इसको भी छोड़ दें। इंपॉर्टेंस ऑफ ड्राई पोर्ट्स, ये भी छोड़ देना उसे भी। ओके, तो ये पहला पॉइंट हमारा एमसीक्यूज का, पहला, तीसरा एमसीक्यू और सातवां, आठवां, नौवां एमसीक्यू, ये कर लेंगे। शार्ट आंसर्स जो हैं वो पहला, तीसरा और चौथा, और नौवां बनता है ये, हाँ, नाइन्थ वाला है ये। और जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें भी पहले चार लॉन्ग हैं, पाँचवा नहीं करना, फिर आठवां और नौवां करना है, आठवां और नौवां कर लेंगे। अच्छा, आठवां नौवां हो गया और एक्टिविटी फिर नहीं है। आई थिंक अगला पॉपुलेशन, सोसाइटी एंड नाइन्थ वाला चैप्टर। ओके, तो पहला टॉपिक इसका स्टार्ट ही करेंगे, ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन पाकिस्तान, ये करना है लाजमी। ओके, तो इसके अंदर ये सारे ब्लू ब्लू इसके सारे करने हैं, फिर आगे ये नहीं करेंगे, ठीक है। इस तरह से मेन बड़ा टॉपिक आता है, ये नहीं करना। द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ये नहीं है। तो इसके अंदर जो मेन पॉइंट्स हैं वो सारे नहीं हैं। फिर ये करेंगे, द अर्बन एंड रूरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, शहरी और देहाती पॉपुलेशन जो है। और उसके साथ जेंडर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी करनी है। लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान करना है। एजुकेशनल कंडीशंस, ये करनी है। एजुकेशनल स्ट्रक्चर जो है हमारा, वो सारा भी हमने करना है। एजुकेशनल प्रॉब्लम्स, एजुकेशन के रेलिवेंट सारा हो रहा है, ठीक है। सजेशंस टू फॉर द सोल्यूशन ऑफ एजुकेशन प्रॉब्लम, वो भी है। सो एजुकेशन सारी, ठीक है, गवर्नमेंट मैयर। अब हेल्थ की जो है वो हेल्थ का कोई नहीं करना हमने, ठीक है, जिससे ये तुम्हारी वैसे ही अच्छी है। सो एजुकेशन को हमें बेहतर करना, तो हेल्थ वाला कुछ भी इसमें से नहीं करना। हेल्थ प्रॉब्लम, नथिंग, हेल्थ सारा। फिर मेजर फीचर्स ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी एंड कल्चर, ये करेंगे। मीनिंग्स ऑफ कल्चर, ये उसमें ही आएगा। सोशल वैल्यूज, डाइट, ये सब कुछ इसी में आ रहा है। रिलीजियस हारमोनी, मिक्सड कल्चर, वट एवर, ये सारी चीज़ें उसमें आ रही हैं। फेयर्स एंड उर्सेज, स्पोर्ट्स, ये सारा पढ़ना है हमने, सारा उसी के अंदर है, मेन हेडिंग के अंदर। फिर ये नहीं करेंगे, कम्युनैलिटीज इन रीजनल कल्चर्स लीडिंग टू नेशनल इंटीग्रेशन एंड कोहिजन, ये हमें नहीं करना, ठीक है जी। तो ये हम छोड़ते जाएंगे, आगे आगे छोड़ते जाएंगे। फिर मेजर सोशल प्रॉब्लम्स, जो हमारी जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, ये हमें करनी है तैयार। तो फिर नेशनल और रीजनल लैंग्वेजेस, ये करनी है। उर्दू लैंग्वेज सारी करनी है, लैंग्वेजेस मेरे ख्याल में सारी करनी है, क्योंकि उर्दू के बाद पंजाबी, रीजनल लैंग्वेजेस भी सारी हैं, पंजाबी, पश्तो, वट एवर, सिंधी, ये सारी हमें करनी है, ठीक है। सारी लैंग्वेजेस जो हैं वो, पश्तो, ये बलोची, कश्मीरी, सराइकी, काफ़ी सारी हैं, हिंद को। फिर रोल ऑफ माइनॉरिटीज़ इन पाकिस्तान, इसको भी करना है। और ये जो स्टेटस ऑफ द माइनॉरिटी इन द लाइट ऑफ कायदे आज़म, ये भी हमें करना है। और माइनॉरिटीज़ वाला सारा करना है जी। और एक्सरसाइज आ जाएगी, तो पहला एमसीक्यू, तीसरा एमसीक्यू, पांचवा एमसीक्यू, सातवां, और उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं एक से लेके पाँच तक, सारे। छठा नहीं करना, सातवां करना है और आठवां नहीं करना। और जो डिटेल्ड वाले हैं वो दूसरा, तीसरा, चौथा करेंगे, छठवां और आठवां कर लेंगे, और बस एक्टिविटी। हाँ जी, और चैप्टर नंबर 10 सिंपल सी बात है जी, सारा नहीं, सॉरी, एक्सरसाइज सारी है इसकी। ये भी देखना पड़ेगा, एक दो टॉपिक उसने कटवाया हुआ है, एक्सरसाइज सारी करवाई हुई है। जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड इट्स अवेयरनेस, ये करेंगे। इसके अंदर पॉइंट्स ये नहीं करना, एक्टिविटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, छोटा ही कंसेप्ट होगा ये।
तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये नहीं करेंगे, ये आता है यहाँ तक आता है 23 तक, इस्लाम एंड जेंडर ये करना है, इस्लाम एंड जेंडर के अंदर ये प्रेजेंट कंडीशन ऑफ वुमेन ये नहीं करना, ठीक है। फिर पंजाब प्रोडक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट वायलेंस एक्ट, एक्ट उन्होंने बनाया था पंजाब वालों ने, ये करना है जी, ठीक है, कि क्या क्या वो कंडीशन होनी चाहिए। फंक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वुमेन प्रोडक्शन कमेटी ये भी करना है, वायलेंस ये सारा करना है हमने, ठीक है। बस तो ये दो टॉपिक शायद छिड़वाए मैं उसके अंदर से, ठीक है, और ये सारा है, ठीक है, एक्सरसाइज कंप्लीट, हर चीज़ कुछ भी इसमें से छोड़ना नहीं है, ठीक है जी बच्चों, ये काम है आपका। लो जी ये भी आपकी बन गई, बहुत शुक्रिया जी देखने का, अल्लाह हाफिज़।